हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम के बारे में। तो जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो मतलब मेड अप ऑफ मेरिस्मेटिक सेल विद लार्ज न्यूक्लियाई। सेल होते हैं वो थिन वॉल होते हैं, थिक रेडियस वॉल होती है उसमें, हाईली पिटेड वॉल होती है और स्लाइटली डिप्रेस्ड पिट्स होते हैं इसमें हमारे पास। प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। साइटोप्लाज्म इज हाईली वैक्यूलेटेड। इन द साइटोप्लाज्म मैनी राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डाइक्रोमोसोम आर प्रेजेंट। कैम्बियम इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो हम देखेंगे, एक होते हैं हमारे पास फ्यूजीफॉर्म इनिशियल और दूसरे हमारे पास रे इनिशियल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स के बारे में। तो ये दीज आर हाई इलोंगेटेड सेल विथ टेपरिंग एंड। जो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल होते हैं उनके एंड कैसे होते हैं? टेपरिंग, दैट इज स्प्लिंडर शेप। देयर लेंथ इज मच मोर देन देयर विड्थ। उनकी लेंथ ज़्यादा होती है उनकी विड्थ से। जो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल होते हैं उनको ये नाम क्यों देंगे? क्योंकि उनकी जो शेप होती है स्प्लिंडर शेप होती है। लेंथ जो हमारी फ्यूजीफॉर्म इनिशियल होती है, जिम्नोस्पर्म में कितनी होती है? उनकी लेंथ 700 माइक्रोमीटर, एंजियोस्पर्म में 462 माइक्रोमीटर। लोंगिट्यूडिनल वॉल जो होती है दीज सेल की अपेयर बीडिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैनी पिट्स। इसमें जो है इसकी लॉन्गिट्यूडनल वॉल हमें बीडिड अपेयर होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल गिव राइज टू एक्सियल सिस्टम ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। ट्रैकीड्स होते हैं, इसमें वेसल्स भी होते हैं, जाइलम फाइबर, पैरेन्काइमा, सीप सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये जो सेल होते हैं हमारे बीडिड टाइप के, ये क्या देते हैं? हमारे सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू को राइज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रे इनिशियल्स की। तो जो रे इनिशियल्स होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, आइसोडायरामेट्रिक इन शेप होते हैं, विद फ्लैटन एक्सिस। इनके एक्सिस कैसे होंगे? फ्लैटन। दी सेल गिव राइज टू रेडियल सिस्टम ऑफ वेस्कुलर टिश्यू बाय फॉर्मिंग सेकेंडरी मेडुलरी रे। जाइलम रे और फ्लोएम रेज होंगे इसमें। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ फ्यूजीफॉर्म इनिशियल द वेस्कुलर कैम्बियम इज ऑफ टू टाइप। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल के बेसिस पे हमारे वेस्कुलर कैम्बियम कितने टाइप के हैं? टू टाइप के। कौन से? स्टीरॉयड और सर्टिफाइड कैम्बियम, नॉन स्टीरॉयड और नॉन सर्टिफाइड कैम्बियम। स्टीरॉयड कैम्बियम में जो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स होते हैं वो अक्कर होते हैं हॉरिजेंटल रो में और इन रेगुलर पैटर्न में होते हैं। एंड जो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल का होता है वो सेम लेवल का होता है। इफ द फ्यूजीफॉर्म इनिशियल आर नॉट अरेंज इन रेगुलर हॉरिजेंटल रो एंड देयर एंड ओवरलैप द अरेंजमेंट आर कॉल्ड नॉन स्टीरोफाइड। अगर उनका अरेंजमेंट इरेगुलर है तो उसको हम बोलेंगे नॉन स्टेटिफाइड या नॉन स्टीरोइड कैम्बियम। द स्टीरोइड बूड इज फॉर्म फ्रॉम स्टीरोइड कैम्बियम वाइल नॉन स्टीरोइड बूड इज फॉर्म फ्रॉम नॉन स्टीरोइड कैम्बियम। नॉन स्टीरोइड बूड नॉन स्टीरोइड कैम्बियम से फॉर्म होगी, स्टीरोइड बूड स्टीरोइड कैम्बियम से फॉर्म होगी। स्टीरोइड कैम्बियम के हमारे पास एग्जाम्पल हैं फाइकस, टीलियम। नॉन स्टीरोइड के टेरामिक्स और रबिनियम। स्टीरोइड कैम्बियम इज कंसिडर टू बी फाइलोजेनेटिकली एडवांस। स्टीरोइड कैम्बियम जो है एडवांस होती है। तो ये हमारे फ्यूजीफॉर्म इनिशियल सेल्स। ये हमारी वॉल जिसमें पिट्स हैं, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, वॉल विथ प्राइमरी पिट फोल्ड्स। इसमें जो है प्राइमरी पिट के फोल्ड्स और बीच में वेस्कुलर, ये वाला जो एरिया है ये वेस्कुलर प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। ये था हमारा फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। नेक्स्ट हमारे पास रे इनिशियल। तो रे इनिशियल सेल जो है इस तरह से हमारे रे इनिशियल के सेल हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन सर्टिफाइड कैम्बियम के और सर्टिफाइड कैम्बियम की। डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये है हमारे फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स, इसके जो एंड है वो टेपरिंग है, ठीक है। वहीं जो हमारे रे इनिशियल्स है वो आइसोडायमेट्रिक है और इनके एंड जो है फ्लैटेंड है, इनके एंड जो है वो टेपरिंग है। तो ये हमारे फ्यूजीफॉर्म इनिशियल और ये इनिशियल्स, ठीक है। दो बातें क्लियर होगी यहाँ पे। उसके बाद बात तो हम यहाँ नॉन सर्टिफाइड कैम्बियम की करें। तो नॉन सर्टिफाइड कैम्बियम में हमारे पास क्या होगा? ये फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स हैं, ये हमारे पास रेगुलर नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन पे नहीं है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से है। लेकिन जो हमारे सर्टिफाइड कैम्बियम है उसमें देखो, ये हमारा फ्यूजीफॉर्म इनिशियल है, एक ये हमारा फ्यूजीफॉर्म इनिशियल है, ये है, ये एक हॉरिजॉन्टल रो में है, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न में है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ठीक है। और ये हमारा रे इनिशियल्स है। तो ये था हमारा सर्टिफाइड कैम्बियम और नॉन सर्टिफाइड कैम्बियम, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास कैम्बियम स्टीरॉयड कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बल्कि इसमें हमारे पास नॉन स्टीरॉयड कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।